हमने आपकी मदद करी है, तो आपको ये मदद पाकर कैसा महसूस हो रहा है? सब ठीक थे, घने कड़े दुखी थे हम तो, सब दवंदर ने बढ़िया काम कर दिया प्रधान जी ने। ये हमारे देवेंद्र अंकल और ये हमारे छोटे मोटे भाई हैं जो कि इस गरीब परिवार की मदद करने के लिए यहाँ पर आप पहुँचे हैं। खरगोद हरियाणा के शेयर मीडिया चैनल दिखाने वाला भाई प्रीतम नागर की राम राम। जो मेरा भाई भाई चैनल पर नया जुड़ा है या भाई मेरी वीडियो देखता हो, बैल पहला चैनल भाई सब्सक्राइब करो और बैल आइकन जरूर दबा दो मेरे भाई, ताकि आपने अच्छी अच्छी अपडेट और भाई अलग अलग वीडियो आपने देखने मिलती रहे। तो भाई कुछ ऐसे परिवार है जिनकी भाई हमारी गरीब कल्याण संस्था भाई रोज़ की रोज़ अलग अलग तरीके से मदद करने लाग रही है। तो भाई हमारे देवेंद्र अंकल है जिन्होंने यह गरीब कल्याण संस्था भाई खोल ली थी, और भाई जिनका विचारा मनमक भाई ऐसी संस्था बनाई जा जो कि गरीबों के हक में और भाई कल्याण के लिए भाई खोली जावे, अब उनकी मदद कर सके। तो उन तो बुझ जाएंगे आज कुकर के या मदद करने खातर आए हो भाई, के मदद करेगी आज तो बात करेंगे। नमस्कार अंकल जी। नमस्कार भाई प्रीतम भाई, 17 तारीख की बात होंगी वो, पीछे जब गांव में मदद करी थी तो भाई तारा के वहाँ जा रहे थे, कुलदीप के वहाँ मदद करी थी गांव में, तो वहीं से एक अपना साथी है भाई मनजीत, 2-3 दिन के बाद उसका फ़ोन आया भाई अंकल जी गांव में एक ऐसा परिवार है जिसके पास अपना खुद का मकान नहीं है रहने के लिए, प्लस में सोने के लिए जो बच्चे हैं सोने के लिए चारपाई तक नहीं है। मैं बोला भाई मेरे पास मैसेज भेज दे, परिवार से बात करके जैसी भी स्थिति होगी आपकी मदद करेंगे। तो भाई मैंने 25-26 की डेट उसी दिन लिख दी थी भाई, 25-26 तारीख को उस परिवार की मदद कर दी जाएगी अपने वादे के अनुसार। आज भाई देखो ड्यूटी भी करनी पड़ती है, संडे की मेरी छुट्टी होती है, संडे मैं मोस्टली गरीब आदमियों को ही देता हूँ, इसलिए मैं संडे का दिन ही रखता हूँ ज़्यादातर। तो आज भाई हम यहाँ मदद के लिए आए हैं, सबसे पहले मैंने यहाँ परिवार की हालत देखी, एक बार आप देख सको तो एक मेरे ख्याल तक 5x5 का कमरा होगा शायद मुश्किल से, ये देखो 5x5 का होगा, 5x7 का कमरा होगा, तो इसमें एक आदमी भी नहीं रह सकता, और यहीं माँ रहती है, यहीं भाई बच्चे रहते हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, कोई कमाई का कोई खास साधन नहीं है, खुद का मकान न होने के कारण भाई चारपाई भी नहीं थी इनके पास, नीचे सोते हैं बेचारे। तो मैंने सबसे पहले तो भाइयों को, ये दो भाई, यो भाई है जिसका ये परिवार है, ये इनकी माता जी हैं, सबसे पहले तो मैंने इनको अपनी गाड़ी में बैठाया, मगर अभी सबसे पहले तो चलो आपको 2 चारपाई का, मैं बोला कितनी चारपाई आ जाएंगी उस मकान में, बोला जी एक ही आएगी, 2 आ जाएगी मुश्किल से। तो 2 चारपाई ये नहीं, अभी ये अभी दोनों चारपाई अभी इनको साथ में गाड़ी में लेके गया था, उनको चारपाई दिलवाई हैं 2 सोने के लिए, प्लस में 2-3 महीने का राशन लेकर आए हैं भाई, ताकि छोटे बच्चे भी हैं इनके लिए, बिस्किट वगैरह भी लेके आए हैं। तो भाई हमारा मेन दे यही होता है, हमारा मेन मकसद ये होता है भाई, गरीब कल्याण संस्था बनाने का मेरा अपना मकसद कुछ अलग ही तरह का है भाई, हम दिल से मदद करते हैं, जिस भी आदमी की मदद करते हैं दिल से करते हैं। तो मेरा अपना मकसद ये गांव के लिए बनाई थी स्पेशल, लेकिन अब बाहर से भी हमारे साथी जुड़े तो वहाँ भी हम मदद करने के लिए चले जाते हैं। जैसे पिछले वीक में मध्य प्रदेश में मदद भेजी है, दोनों पैरों से विकलांग था वो, हरसाणा में मदद भेजी है, बाहर से भी मदद मांगने लग गए हैं। तो इस महीने की मार्च महीने में अपनी ये 10वें गरीब परिवार की मदद है, और इस मदद में मेरा साथी अमित ब्रेड से, उसने भी 1100 रुपये का योगदान कराया भाई ने, मनीषा कवल का भाई उसने भी 100 रुपये पिछली मदद में एक बुढ़िया के लिए भेजे थे, और हमारे हरियाणा पुलिस में है इंदु लड़की और संजीत फौजी बाड़ंद, उसकी लड़की का जन्मदिन के उपलक्ष में 500 रुपये उन्होंने भी, अब भी हमारी भी इच्छा है गरीब परिवार तक हमारा भी कुछ दान जाए। और मेरा साथी है गौतम, 2200 रुपये उसने दो ट्रांजैक्शन 1100 के करे थे, 2200 रुपये टोटल उसने भी भेजे हैं, राकेश हरियाणा पुलिस से मेरा साथी। और ये हमारी टीम है, नरेश है फायर ब्रिगेड में भाई है, प्रीतम है ये साथी, अपना नितिन भाई है, गोपाल है, सुनी है भाई, ओकी भाई है, ये कहीं बाहर गए हुए हैं। तो मैंने तो भाई ये कह रखा है, मैंने जो वादा कर दिया
मैं कभी भी ये आश्रय नहीं करता दूसरा आदमी है या नहीं है। मेरे में अकेले में भी इतना दम है, मैं खुद अकेला जाकर भी मदद कर सकता हूँ, मेरे किसी की ज़रूरत भी नहीं है भाई, इनको लेना ही ज़रूरी है। तो आज अपनी टीम काफ़ी बाहर गई हुई, आज प्रीतम भाई है नरेश है फायर ब्रिगेड से जो समय समय पर बहुत मदद करते रहते हैं, नितिन भाई है अपना बेटा है, तो आज हम आए हैं। तो हमने इस त्यौहार पर जो ये त्यौहार है अभी अपना चले हुए हैं नवरात्रि चले हैं, इसमें इससे बड़ा धर्म मैं नहीं मानता। और जो ये हमारे साथी मदद भेजते हैं भाई, देखो आपकी मदद हम ऐसे परिवारों तक भेजते हैं कि आप देखोगे एक्चुअल में ये, हाँ भैया एक्चुअल में इसमें 4-5 प्राणी रहते हैं, इसमें देखो जीव तो हैं अपने, मनुष्य जीव है, इसमें कैसे रहते होंगे, छोटे छोटे बच्चे भी हैं। तो आज भाई कुछ तो इनका यहाँ जो राशन का सामान लाए हैं, देखो बच्चों इधर हो बेटा, 3-4 महीने का राशन का सामान लेके आए हैं, बच्चों के लिए बिस्किट वगैरह भी हैं और आटा है, चीनी है, हर चीज़ है भाई। तो भाई हम समय समय पर ऐसे परिवारों की मदद करते रहते हैं भाई। और अपना भाई है नरेश फायर ब्रिगेड अपने भाई, वो भी दो विचार अपनी संस्था के बारे में। नरेश भाई मैं तो यही कहना चाहूँगा, मेरे भाई देवेंद्र ने जो पौधा लगाया, छोटा पौधा लगाया है गरीब कल्याण संस्था का, ये कुछ समय चल कर आगे बहुत बड़ा पेड़ हो जाएगा, इसके बरगद की तरह हो जाएगा। अरे ये बेचारा आत्मा से काम करता है, कभी ये नहीं सोचता कि कोई लालच है और नहीं, बिल्कुल ईमानदारी आत्मा और सच्चाई और अच्छाई के साथ काम करता है। अरे इसकी पूरी टीम, ओकी भाई है, नितिन है, अंकित है, रोहित है, प्रीतम भाई है, बहुत बड़ी टीम हो गई है काम में। अब धीरे धीरे बाहर भी बहुत बड़ी टीम हो जाएगी, 23 के लास्ट में या 24 के फर्स्ट में बहुत बड़ा वो हो जाएगा इसका काम। अरे तो भाई मैं तो यही कहूँगा भाई ने इतना बढ़िया काम किया, इतना बढ़िया पौधा लगाया है, ये बिल्कुल सच्चाई आत्मा से काम करता है, इसका मैं नहीं कहूँ, भगवान इसका ही भला करे। और भाई ने यहाँ कर देखा भाई, इनके पास ये नीचे सोते हैं, इन्होंने सबसे पहले अपनी भावना और अपनी आत्मा से इनके लिए चारपाई खरीदी। देखो भाई दिखा भाई, इसके चारपाई दिखाइए, देखो चारपाई, इनके सोने के लिए चारपाई भी नहीं थी, नीचे धरती में सोते थे जिससे शरीर ऐट जाता है इनका, इनकी बूढ़ी माता भी बेचारी है पीछे, देखो इनका शरीर ऐट जाता था। सबसे पहले इन्होंने चारपाई खरीदी और इनके खाने पीने का जरूरत का सामान, जैसे बच्चे भी इनके पास, बच्चों के लिए देवेंद्र भाई बिस्कुट भी लाया है भाई। ये भावना देखो इनकी कितनी अच्छी भावना है, एकदम देखा छोटे बच्चे भी, हाँ बिस्किट खाएंगे, हाँ बिस्कुट है, चॉकलेट भी लाया इनके लिए। और भाई अम्मा तेन हूँ मेरा भाई ऐसे ही इसका काम, इस काम को इस संस्था को आगे इस तरह ही बढ़ाता चले जाए और हम इसका साथ देंगे। ये हमारा पेड़, हम इसकी जड़े, हम बिल्कुल इसको ऊपर रखेंगे, गति बिल्कुल नीचे नहीं आने देंगे इसका। किसी भी समय कोई भी अच्छा है बुरा है समय कुछ भी, हम इसका पूरा साथ देंगे तन मन और धन से। और ये संस्था यूं ही आगे बढ़ती जाएगी और बढ़ती रहेगी। तो भाई ये अपने साथी थे नरेश, भाई प्रीतम है, भाई नितिन है, ये भाई है भाई, ये जो हमने आपकी मदद करी है, तो आपको ये मदद पाकर कैसा महसूस हो रहा है? सब ठीक थे, घने करड़े दुखी थे हम तो, सब देवेंद्र ने बढ़िया काम कर दिया प्रधान जी ने। हाँ भाई बढ़िया कति। प्रीतम भाई आप भी तो भाई जितने मेरे भाई है दर्शक है देखने वाले, सब तो पहला तो काम भाई चैनल सब्सक्राइब करने का करया करो और बेल आइकन जरूर दबा करो ताकि आपने ये ऐसी ऐसी अपडेट मिलती रहे। और भाई आपका फ़ायदा ही चीज़ का, अगर भाई कोई ना कोई ऐसे गरीब परिवार भाई कोई इस वीडियो में देखेगा शेयर करोगे कितना कितना तो 1000 रुपये और देवेंद्र अंकल ने दिए हैं भाई, कुछ सम्मान था चार पाई थी और भाई वो 1000 रुपये का योगदान और कराया है भाई, बहुत बढ़िया। तो भाई ऐसे ही मदद करते रहेंगे हम गरीब परिवारों की, अगर आप लोग भी हमारा साथ दोगे और इन संस्था से जुड़े रहोगे तो बहुत बढ़िया काम करी है हमारी संस्था। और भाई आगे प्रीतम आपका ही बहुत बहुत धन्यवाद, समय समय पर आप हमारे साथ है, आप भी हमारा बहुत साथ देते हो भाई, एक आवाज़ पर खड़े पर मिलते हैं। और भाई आज इस परिवार की मदद कर दी गई है भाई, चारपाई भी दे दी है, 2-3 महीने का राशन दे दिया है भाई को 1000 रुपये, और भाई को और भी कोई ऐसी तकलीफ आएगी तो भाई के साथ खड़े हैं गरीब कल्याण संस्था, हर गरीब आदमी के साथ खड़ी है भाई। ठीक है भाई, सभी जो अपने दर्शक भाई हैं अगर हमारा काम अच्छा लगे तो हमारे साथ जुड़े भाई, हर गरीब आदमी की मिलजुल कर ऐसे ही मदद करे भाई, इसी बात पर वैसे भी बसाती होगा भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। तो भाई जुड़े रहो, तो हरियाणा के शेर मीडिया चैनल दिखने लाना भाई प्रीतम नागर की, राम राम।